सब्जेक्ट है बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में आगे मुझे परिभाषा लैंग्वेज ऑफ कार्यक्रम को बतानी है, उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी पढ़ने के आवश्यक घटक। पढ़ने के आवश्यक घटक में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली हम जब किसी शब्द का को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आती है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर बताया था उच्चारण। उच्चारण जो होता है, उच्चारण में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि उच्चारण जब हम करते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो उसके अंदर हमें बहुत सी समस्या आती है। ये हो सकता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस तरह हमें पढ़ना है, या भौगोलिक प्रभाव पड़ते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो भी कंटेंट होता है पढ़ने का वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इनको समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या क्या व्यूज अपनाने चाहिए, किसके अंदर, उच्चारण के अंदर। क्योंकि पहला जो घटक था, पहले घटक में मैं आपका ले रही थी उच्चारण। तो इसकी समस्या है क्या क्या समाधान कैसे किया जा सकता है। तो वाचन में अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय, ठीक है। इसमें पहला नंबर आता है आपका उपकरणों का प्रयोग। फर्स्ट आता है उपकरणों का प्रयोग। उपकरणों के प्रयोग मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज में ले सकते हैं, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन। ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, इन उपकरणों के माध्यम से हम बच्चों की उच्चारण क्षमता को दूर कर सकते हैं, जो हमारे अंदर समस्याएं आती है। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज जब अपन सीखते हैं तो जब हम उस चीज़ को फ्रेंडली सीखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक रेडियो, रेडियो के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी एक तरह से कुछ भी बोलकर। तो जब हम उसकी आवाज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब हम वापस उसे रिकॉल करेंगे तो हमें पता लगेगा हमने कौन कौन से शब्द गलत बोले हैं या हम किस चीज़ का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे। तो वही चीज़ हमारे एक तरह से इंग्लिश भी एक क्या है, एक लैंग्वेज है, और हम बात करें एक लैंग्वेज की बात करें तो बच्चे भी किसी भी विषय को, मतलब किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किस किस का उपकरणों के माध्यम से भी अपने प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने उच्चारण क्षमता को शुद्ध कर सकते हैं। मतलब उच्चारण एक फ्रेंडली धारा प्रवाह के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर सेकंड नंबर ध्वनि तत्व का ध्यान। ध्वनि तत्व का ज्ञान, इसका मतलब होता है कि बच्चों को जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस ध्वनि को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, जब तक वो सही ढंग से नहीं पढ़ सकता, अपना जो उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं कर सकता। तो बच्चों को सबसे पहले ध्वनि के बारे में ज्ञान करवाना अति आवश्यक होता है कि ये ध्वनि का प्रयोग हमें कब, कहाँ, किस जगह करना चाहिए। उसके बाद ही हम बच्चों की उच्चारण, जो उनके अंदर जो उच्चारण में समस्याएं आती है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है शब्दोच्चारण की शिक्षा। शब्दोच्चारण की शिक्षा, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये नहीं है, जब हम प्राथमिक कक्षाओं से उस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक 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 शब्दों को याद करना नहीं पड़ता। हम जो बोल रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हमारे टंग पे जो है, या हम किसी के थ्रू जो सुन रहे हैं, वही शब्द हम क्या करते हैं, रिकॉल कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा शब्दों का ज्ञान करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे किसी शब्द को, उतना ज़्यादा उनका प्रोनाउंसिएशन दूर होगा। जैसे कि कोई शब्द होता है हम नहीं बोल पाते, लेकिन हम एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं,
तीसरी बार जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो हमें अपने आप ही क्या हो जाता है, वो चीज़ हमें वापस से मतलब याद आ जाती है और हम उसका सही उच्चारण कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उच्चारण करने की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को बार बार बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर आता है फोर्थ नंबर इसके अंदर अक्षरोच्चारण के नियम। अक्षरोच्चारण के नियम ये सबसे है कि जितने भी अक्षर के अंदर कौन कौन से सिद्धांतों नियमों को काम में लिया जाता है वो सभी बातें बताना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी जब तक हमें अक्षरों का उच्चारण करना ही नहीं आएगा, जब तक हम अपने उच्चारणों को दूर नहीं कर सकते, अशुद्ध उच्चारणों को हम दूर नहीं कर सकते, तो वही चीज़ है। तो ये उपकरणों का प्रयोग ध्वनि तत्व ज्ञान, शब्दोच्चारण की शिक्षा और अक्षरोच्चारण के नियम के अनुसार इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अशुद्ध उच्चारण को दूर कर सकते हैं। यह आपको उच्चारण का कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो सेकेंड घटक आता है वो आता है विराम। विराम किसे कहते हैं? तो देखो पठन में बीच बीच में रुक जाने तथा भावात्मक संकेत के क्रिया के चिन्हों को विराम कहते हैं। देखो पठन में बीच बीच में रुक जाने तथा भावात्मक संकेत की क्रिया के चिन्हों को विराम कहते हैं। मतलब जब हमें कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या कोई पूरा का पूरा जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसके बाद हम बीच में रुकते हैं, या कई चीज़ें होती है कि भावात्मक संकेत आते हैं कि कहाँ पे, जैसे विस्मयादिबोधक वाक्य आते हैं या हम किसी को बोध करते हुए बोलते हैं या हम किसी का कंजक्शन लगाते हैं, तो उसके बीच में जो चिन्हों का प्रयोग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विराम होता है। विराम यही नहीं है सिर्फ कि पूर्ण विराम से मतलब हो, विराम के अंदर बहुत से प्रकारों को देखा जाता है। जैसे होता है कि एक स्टूडेंट होता है, एक छात्र होता है, वो जब भी एक लाइन पढ़ता है फिर रुक जाता है, दूसरी लाइन पढ़ता है फिर रुक जाता है, तो टीचर उससे पूछता है कि तुम ये बार बार क्यों रुक रहे हो, ठीक है, तो वो ये बोलता है कि मुझे इतना पता है कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे रुकना है। लेकिन अब बात कहाँ आती है, उसे ये तो पता है कि रुकना है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे कब रुकना है, कहाँ पे रुकना है, मतलब उसको सिद्धांते और नियमों के बारे में नॉलेज नहीं है। इस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें विभिन्न इस विराम की इस प्रकार की समस्याओं को देखने को हमें मिलती है। अब विराम की क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों क्यों मतलब विराम के अंदर जब हम बच्चे पढ़ते हैं तो क्या कारणों को वो क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसके कारण है विराम संबंधी समस्या के प्रमुख कारण जिसमें पहला नंबर है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, पहला कारण होता है कि विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, कि बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हमें विराम चिन्ह का प्रयोग किस दिशा में करना है, उचित ज्ञान नहीं मिल पाने के कारण वो क्या करता है कि जब एक वाक्य कंप्लीट होता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा विराम ले लेता है, कॉमा आता है
कॉमा आता है तो क्या कर देता है, तब भी बहुत ज़्यादा विराम ले लेता है। तो इस वजह से उसको ये नहीं पता होता कि मुझे पूर्ण विराम या कॉमा में कितना कितना डिफरेंसेस, मतलब उसको ये डिफरेंसेस नहीं पता होते कि मुझे कितना कितना विराम लेना है। तो यही चीज़ होती है कि ये एक समस्या का कारण बनता है कि जब उसे विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होता है। फिर आता है इसके अंदर सेकेंड आता है वाक्य के बीच में विराम, वाक्यों के बीच में विराम। वाक्यों के बीच में विराम का मतलब है कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो क्या करता है, एक तरह से उसको ये नहीं पता होता कि विराम जब लेता है तो वो बहुत ज़्यादा ले लेता है और बहुत कम ले लेता है। इसमें होता है कि उसे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती कि कब कहाँ लेना है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उसको ये तो नॉलेज होती है कि ये कॉमा है, ये पूर्ण विराम है, ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि मुझे कितना देर तक रुकना है। इससे क्या होता है, जब उसकी पढ़ने की जो गति होती है, जो धारा प्रवाह होती है, बहुत क्या हो जाती है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि जब सामने वाले चीज़ को सुनता है तो उसे वो जो पाठ होता है वो अरुचिकर लगता है। और अरुचिकर शिक्षा विद्यार्थियों को कभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो शिक्षा होती है हमेशा रुचि के माध्यम से ही पढ़ाई जानी चाहिए। फिर आता है तीसरा, थर्ड आता है आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास का अभाव, इसके अंदर देखा जाता है कि बच्चे को सब कुछ नॉलेज होती है, विराम चिन्हों की भी नॉलेज होती है, कब कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसके बाद उसको पता होता है, उसे धारा प्रवाह में भी बोलना आता है, मतलब एकदम फ्रेंडली बोलना आता है। लेकिन बात आती है आत्मविश्वास की, ठीक है, क्योंकि जब उसे खड़ा किया जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों का, अब माइक्रो टीचिंग आप लोग कर रहे थे, माइक्रो टीचिंग जब आप कर रहे थे, जब आप पोडियम पे आते थे, आपको सब पता है कि हमें किस तरह पढ़ाना है, कौन से स्टेप्स काम में लेने हैं। लेकिन जब आप जैसे ही पोडियम पे आते हो तो क्या होता है, आपका आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसकी वजह से जो आपको याद किया हुआ होता है या जो आप समझाना चाहते हो वो कंटेंट भी भूल जाते हो, और इतना स्लो मोशन में पढ़ाना शुरू कर देते हो, स्टेप आप फॉलो करते हो लेकिन जो पढ़ाने का जो टैकल है वो आप बिल्कुल स्लो मोशन में कर देते हो, और आपको ये पता नहीं होता कि मुझे किस तरह पढ़ाना है। तो वही चीज़ इसके अंदर आती है, आत्मविश्वास के अभाव में ये आता है कि उसको नॉलेज सारी है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो इस चीज़ को नहीं पढ़ा पाता, और क्या होता है वो फ्लैंटली नहीं बोल पाता, रुक 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 के बोलना शुरू कर देता है। तो ये हर उसमें पढ़ने के हर घटक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ नंबर, पाठ्य सामग्री का अभाव। इसके अंदर देखा गया, ये पाठ्य सामग्री का अभाव हमें उस जगह देखा जाता है जब बच्चे का जो या जो पाठ्य सामग्री है वो या तो स्तर से ज्यादा आती है, उसके मानसिक स्तर पे इफेक्ट डालती है। किस तरह डालती है, जैसे बच्चे को पता है, नॉलेज उसको है, ठीक है, मुझे किस तरह पढ़ना है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसकी जो कंटेंट होता है उसके हाई लेवल का आ जाता है। जैसे कि हमें नॉलेज है अपने कंटेंट की, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपको ये पढ़ाना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो अब आप क्या करोगे कि आपके लेवल के ज़्यादा, आपके लेवल से ज़्यादा, आपके मानसिक स्तर से ज़्यादा आपको कंटेंट बता दिया गया है, तो अब वहाँ क्या होगा, वहाँ जिस तरह आपके पास जो सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ना चाहते हो या आप जो पढ़ सकते हो या आप जो रीडिंग कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा वो कैबिलिटी टफ आ जाती है तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पे रुक रुक के पढ़ना शुरू कर देता है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आती हम अपना लेवल बहुत लो कर देता है, बहुत रुक 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 के पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर ये माना जाता है कि बच्चे के मानसिक स्तर के अगर हाई लेवल का कंटेंट उसके सामने होता है तो वो रुक रुक के उसको समझ समझ के पढ़ता है, इस वजह से भी ये समस्या का कारण बन जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, इसके अंदर आता है उचित गति का अभाव। उचित गति का अभाव मतलब होता है कि जब बच्चे को
परामर्श निर्देशन नहीं मिलता तब वह क्या करता है, अपनी स्पीड को बहुत स्लो कर देता है, इस वजह से वो रुक रुक के पढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों को सही गाइडलाइन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चों को हम सही गाइडलाइन नहीं दे सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर लास्ट आता है इसके अंदर मनोयोग का अभाव। मनोयोग के अभाव में ये देखा जाता है कि बच्चा जब अपने पारिवारिक या कोई आर्थिक स्थिति से जूझा हुआ हुआ है तो वो क्या करेगा, जब उसे पढ़ने के लिए खड़ा किया जाएगा तो वो उस चीज़ को नहीं समझेगा, क्योंकि उसका ध्यान सारा अपने मनोयोग की तरफ होता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसकी तरफ होता है। इस वजह से भी हमें विराम संबंधी समस्या फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे क्या थे, विराम संबंधी समस्या के कारण थे। अब इसके दूर करने के उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज आपका गृह कार्य है विराम संबंधी समस्याओं के कारणों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।